कटनी जिले में 5 दिनों में लोकायुक्त की दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। मंडवारा नंबर 2 के पटवारी रामनाथ बुनकर को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने ऋण पुस्तिका के नाम दर्ज कराने के में रिश्वत की राशि मांगी गई थी, जिसको लेकर शिकायतकर्ता आनंद कुमार गौतम ने लोकायुक्त में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद आज जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी के तहसील परिसर में पटवारी को रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा। अभी भी लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई जारी है। स्टेशन से मेरा नाम आनंद गौतम है और मैंने 14/11/2022 को लोकायुक्त में जबलपुर में शिकायत की थी कि मेरे से पटवारी रामनाथ बुनकर द्वारा 8,000 रुपये मेरे और मेरे भैया के नाम पर मेरी मम्मी की जमीन चढ़ाने का मांगा गया है। 8,000 रुपये की मांग की गई थी मेरे से। जमीन किसकी थी? जमीन माताराम की थी। मेरी माताराम एक्सपायर हो गई है, तो वो जमीन भैया के नाम पर और मेरे नाम पे आधे आधे नंबर चढ़ना थे। उसके एवज में मेरे से पटवारी रामनाथ बुनकर, पटवारी हल्का नंबर 17 के हैं, उनने मेरे से 8,000 रुपये की मांग की। कहाँ शिकायत की थी आपने? लोकायुक्त जबलपुर। जमीन कहाँ पे थी आपकी? हरदुआ स्टेशन। कितने दिन पहले शिकायत किया था आपने? 14/11/2022 को मैंने लोकायुक्त में शिकायत की। पटवारी द्वारा आपके पहले कोई मांग की गई थी? जी सर, मेरे से मांग की गई थी, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी, लोकायुक्त ने करवाई थी मेरे से, मैंने रिकॉर्डिंग करके भी जबलपुर गई थी। आवेदक आनंद कुमार गौतम है, ये कटनी का निवासी है जिसकी जमीन का बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे के संबंध में जो नाम दर्ज चढ़ाने के लिए ऋण पुस्तिका में नाम दर्ज कराने के लिए उसने आवेदन दिया हुआ था, तो इसके एवज में उससे 8,000 रुपये की मांग आरोपी के द्वारा की जा रही थी। मैडम, कौन से दिन में 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी है? किस पद में? किस पद में है? ये पटवारी हैं मुड़वारा नंबर 2 के, हल्का नंबर 17 के, और इनके द्वारा 8,000 रुपये की मांग की गई। रामनाथ बुनकर इनका नाम है, पटवारी पदस्थ है। कितने दिन से आवेदन की शिकायत आपको कब मिली है? और देखिए, ये तो बिल्कुल गोपनीय विषय है, इसीलिए शिकायत प्राप्त होने पे आज पूरी कार्यवाही की गई और उनको 8,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कटनी से प्रवीण कुमार पारशर की यह रिपोर्ट।